हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। आज हम डिराइव करने वाले हैं लैग्रेंजियन फॉर बीट और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी है। लेट अस से आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में एक रॉड है। रॉड, ये रॉड कैसी है? स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब है हमें यहाँ पर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर रफ रॉड बोलता तो आप फ्रिक्शन फोर्स को भी वहां पर इंक्लूड करते। अब इस रॉड में क्या है आपका? एक बीड है। इस तरह से एक बीड है। ये बीड क्या हो रहा है? स्लाइड कर रहा है। इस तरह से ये रोटेट होगा। तो मान लो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है और ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट फिक्स रहती है, ये मान के चल रहे हैं अपने। और जो ये रॉड है, स्मूथ रॉड, ये आपका एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती है। लेट अस से एट अ टाइम जो आपका बीड है ये हॉरिजॉन्टल से एच हाइट पर है और इस बीड के कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। तो अगर हमें लैग्रेंजियन फाइंड करना है तो पहले सबसे पहला काम हमारा ये होता है, हमें पता होना चाहिए कि हम यहां पर कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस बीट को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी पोजीशन कहां पर है हमें दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्या हो रहा है? थीटा। और एक क्या हो रहा है? यहां से तक की डिस्टेंस जो क्या है? आर है। तो इसका मतलब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे इस बीट की मोशन को डिस्कस करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि लैग्रेंजियन हम कैसे डिफाइन करते हैं। लैग्रेंजियन इज डिफाइंड एज एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी मतलब काइनेटिक एनर्जी, वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी से माइनस कर देते हैं तब आपको जाकर लैग्रेंजियन मिलता है। तो उसका मतलब आपको पहले स्फेरिकल तो नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहां बात हो रही है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देन पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। जहां आप जानते ही हो आर डॉट का मतलब क्या है? डी आर बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एंड डी थीटा डॉट का मतलब क्या है? डी थीटा बाई डी टी, थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि इसमें जो वैल्यूज रखी हुई है क्या वो इससे मैच करती है। क्या थीटा यहां भी थीटा है? बिल्कुल है। क्या आर यहां भी आर है? बिल्कुल है। क्या आर कॉन्स्टेंट है? नहीं है। देखो दो चीज ध्यान रखना है। पहला, अगर आर आपका कॉन्स्टेंट होता तो फिर उस केस में क्या होता है? फिर आर डॉट जीरो हो जाता। बट यहां पर आर की जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट ना होने का मतलब जब बीड आपका स्लाइड करेगा तो आर चेंज होगा। आर चेंज होगा कि नहीं होगा? इसीलिए आप आर डॉट को यहां पर जीरो नहीं करेंगे, बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली थीटा के सामने होगा। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली कितनी होती है? एम जी एच। और बीट की हाइट भी यहां पर कितना है? एच है। तो बीट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी एम जी एच। लेकिन हमें इसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आर और थीटा के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो उसी के लिए हम इस ट्रायंगल में सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे कि अगर हम देखें थीटा के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा ऐसे रहने देंगे हम। परपेंडिकुलर कितना आपका? एच है। और हाइपोटेन्यूस कितना है? आर है। तो यहां से आपका एच इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा। तो एच के लिए हम यहां पर आर साइन थीटा पुट कर देंगे। वी इज इक्वल टू एम जी, एच के लिए कितना है? आर साइन थीटा।
अब आपको इस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को इस लैग्रेंजियन में पुट कर देना। ये सब जानते ही हैं कि जो लैग्रेंजियन है आपका दैट इज टी माइनस वी, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। तो टी की वैल्यू कितना है आपका, ये हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी की वैल्यू है एम जी आर साइन थीटा। ओके, तो आप चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, आप चाहे हाफ एम को मल्टीप्लाई कर लो, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिल गया आपका लैग्रेंजियन, ये लैग्रेंजियन है आपका बीड के लिए। अभी बीड देखो क्या कर रही है आपका, एक स्मूथ रॉड में क्या हो रही है, स्लाइड कर रही है, साथ में ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। तो यहां पे हमने ओमेगा यूज नहीं किया, तो अगर हम ओमेगा का यहां यूज करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट। तो जहां पर आपको थीटा डॉट दिखाई दे रहा है वहां पर आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर, ओमेगा पुट कर सकते हो। तो आपका लैग्रेंजियन बन जाएगा एल इज इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी आर साइन थीटा। तो लैग्रेंजियन आपने निकाल दिया, इसमें आपने थीटा डॉट की जगह पर क्या पुट कर दिया, ओमेगा पुट कर दिया। ठीक है, अब यहां निकालेंगे हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपका डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल आर डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल आर इज इक्वल टू जीरो। ये होती है आर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये आर के टर्म में होती है। आप थीटा इक्वेशन ऑफ मोशन को थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो, फिलहाल एक ही निकाल लो आर इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट है डेल एल अपॉन डेल आर की। तो पहले हम क्या करेंगे, डेल एल अपॉन डेल आर फाइंड कर लेंगे, मतलब कि इस पूरे लैग्रेंजियन को हम आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखना ध्यान समझना, हाफ एम, क्या ये आर है, ये नहीं है, ये आर डॉट है तो ये जीरो हो जाएगा। क्या ये आर है, जी बिल्कुल है, तो ये तो जीरो हो गया। तो आर स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, टू आर, साथ में क्या है ओमेगा स्क्वायर। क्या इसके पास भी आर है, बिल्कुल है, तो माइनस का एम जी साइन थीटा। तो पूरे लैग्रेंजियन को आपने विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें क्या हुआ आपका, इसमें आर नहीं था तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसमें आर स्क्वायर था तो डिफरेंस टू आर हो गया, इसमें आर था तो वन हो गया। तो डेल एल अपॉन डेल आर की जो वैल्यू आ गई आपका, ये आ गई हाफ एम, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी साइन थीटा साइन थीटा। अब आपकी वैल्यू है, अब आपको निकालना है डेल आर अपॉन डेल आर डॉट, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, मतलब कि इस लैग्रेंजियन को आपने आर डॉट की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इस टर्म में कहीं भी आर डॉट प्रेजेंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इस टर्म में भी आपका आर तो प्रेजेंट है लेकिन आर डॉट प्रेजेंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस टर्म में आपका आर डॉट प्रेजेंट है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ एम, हाफ एम, और आर डॉट इसका अर्थ हो जाएगा टू आर डॉट, बाकी टर्म क्या हो गए जीरो, टू से टू क्या हो गया कैंसिल आउट, तो कितना हो गया एम आर डॉट। इन वैल्यूज को अगर हम यहां पुट कर दें तो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल आर डॉट यानी कि एम आर डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल आर की जो वैल्यू है इसको यहां पुट कर दें अगर, तो कितना रहेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब आपको करना क्या, एम तो कॉन्स्टेंट है से बाहर निकाल देंगे मास, आर को एक बार तो आप ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हो टाइम के रेस्पेक्ट में, एक बार फिर से होगा क्योंकि बाहर क्या डी है बाई डी टी, तो क्या बन जाएगा आर डबल डॉट यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
mg साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, मास तीनों में कॉमन आकर जीरो हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी r डॉट r डबल डॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर प्लस g साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बीट जो कर रहा है एक स्मूथ रॉड में स्लाइड, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।